रेगिस्तान। अच्छा चूतिए मार की मां। करण कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मारा मार रहा व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एंड हमारी देखो आज वापसी जाने को आ रहा है, इसकी हालत देख लो। हां बुरा लग रहा, जाते हुए रोना आ रहा है। रोना आ रहा है क्यों? रोना निकल रहा है, मेरे नाक से निकल रहा है। हाँ ये देखो ऐसे अब लास्ट टाइम हो गई हमारी इन पहाड़ों की। बट देन अगर आपने आई होप आपने पिछला उमलिंगला वाली सीरीज देखी होगी, गाड़ी की पावर काफी ज्यादा ड्रॉप हो गई थी, रूट काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल था। एंड आई होप आपको भी मजा आएगा। एंड डू लेट मी नो अगर आपको कुछ इनपुट्स देने हैं अगली रोड ट्रिप के लिए, बिकॉज वो भी बहुत जल्दी हो रही है। जाने मन नहीं कर रहा है यहाँ से, मतलब ऐसा लग रहा है पापा की होम यूनिट है बट मुझे भी ऐसी अपनी यूनिटी लग रही है, इतनी अच्छी फील। इनको बोल रहा है एक दिन रुक जाओ पर ये मान नहीं रहे। एंड हम लोग ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज ऑल्टरनेट डे है, रास्ता खुला हुआ और आज ही ले से मनाली खुला हुआ है, इसके बाद परसों खुला है। एंड परसों तो मुझे भी पहुंचना है बिकॉज मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट है। जा रहे पत्थर दिल पे पत्थर रख के। एक बंदा सबसे ज्यादा खुश है और एक बंदे को हमने मोटिवेट कर दिया है, ये अपना CTS का फॉर्म भरेगा और आर्मी का एग्जाम देके आएगा। ओके सर, चलो सबसे पहले तो सलूट करना सिखाऊंगा। यहाँ क्या होता है भाई? यहाँ होता है तो so, इसमें अलग अलग होता है, आर्मी का ऐसे होता है, एयरफोर्स का ऐसे होता है और नेवी का ऐसे होता है। सुबह सुबह ना एक चीज जो बेस्ट लगती है ना, एक तो अपनी गाड़ी और एक उसके पीछे का व्यू। ओए होए होए, दिल पे पत्थर रख के हम फाइनली निकल रहे हैं। एक्साइटेड फॉर मनाली गाइस। ये पता नहीं इतना खुश क्यों रहे, तुझे क्या करना है मनाली जाके? ऐसा सांस में सांस आएगी। इनको ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है वापस जाने की, मुझे ज्यादा दुख हो रहा है वापस जाने का। बट थैंक्स टू करण भाई, थैंक यू टू कर्नल साहब आल्सो। चुम्मी ले ले मेरी, एक तो हाथ तेरा उल्टा है। परेड सलूट। तो यहाँ से मैंने ताजा डाला है जो अप्रॉक्सिमेटली 285 किलोमीटर ही है बस, एंड 8 घंटे दिखा रहा था, तो हम 618 तक पहुंचे। पर भाई जो हमारी सीक्रेट लोकेशन थी ना वो काफी ज्यादा खतरनाक थी एंड इतने बड़े बड़े पहाड़ थे रास्ते में, तो हमने इसको मैक्सिमम ऐड कर दिया। अब ये मक्खन की तरह निकलेगी। फ्रंट कैमरा इतना काम आया ना मुझे ऑफ रोडिंग में कि पता चलता है कि सामने क्या है। बस एक तो जगह नीचे से डैमेज हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस वही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया, मैं कोशिश करूंगा 2 साल पहले ले की ट्रिप की डालूं। आई थिंक ये सल्फर है पता है। तो भाई बुक्का हॉट स्प्रिंग्स इतने ज्यादा इंस्टाग्राम वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग इतनी वायरल रील्स बनाते हैं, और अभी बुक्का हॉट स्प्रिंग का ये हाल हो, ये साइंस वाले बता पाएंगे क्योंकि जो हॉट स्प्रिंग्स होता है उसमें सल्फर निकलता है। मुझे लग रहा है ये सल्फर सारा ऊपर जम गया है, वेदर अच्छा होगा तब आई थिंक वापस वो। मैं इनको बोल रहा हूँ हॉट स्प्रिंग पे चल लो, कोई मान पाजी चल लो। मैं ये क्या हॉट स्प्रिंग है सच्चा, मैं नलका लगा लूँ घर पे ऐसे ऐसे गर्म पानी का। हम थोड़ा गलत टाइम पे आए हैं बिकॉज अभी पुग्गा हॉट स्प्रिंग ना इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा जो मुझे लग रहा था जब मैं जुलाई में गया था। अभी सारा मिट्टी मिट्टी हो रखा है एंड आई थिंक थोड़े टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा जून जुलाई में। मैंने हाईवे की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है, भगवान कह रहा है साले तू मिट्टी में ही चल। वहाँ पे अच्छी वाली फ्रेश अभी सड़क बन रही है और हमें फिर भी मिट्टी से जाना पड़ रहा है बिकॉज वो अभी फ्रेश फ्रेश है, गर्म होगी। इन बेचारे बाइकर्स को मिट्टी उड़ा के गीला कर देंगे। कट चुके 80 किलोमीटर एंड अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सोकर। सोकर इज लाइक सो बोलते हैं लेक को एंड नाम है सोकर। एंड भाई क्या तगड़ा व्यू आ रहा है, हम थोड़ा सा जल्दी है बिकॉज बर्फ अभी पिघली नहीं है। ऐसी पूरी जमी हुई है भाई लेक एंड काफी ज्यादा सही लग रहा है। मतलब अगर मेरे पास कसम से ड्रोन होता ना, मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना कि मेरा ड्रोन टूट गया, बट देन बहुत ज्यादा मजा आता। ये देखो इतना ज्यादा व्यू आ रहा है, ये देखो ऊपर से लगी हुई है फोटोशूट। हाय वेरी इन्फ्लुएंसर, मजा आ रहा है? वापसी जाने का मन कर रहा है? मैं तो X5 से पूछना चाह रहा हूँ इसका मन कैसा हुआ इस ट्रिप पे। इतना बता एक्टिंग भाई, हम सुसु क्या करने में, क्या हो गया? चलो भैया गाड़ी में बैठो। अच्छा हाँ जी चलो। आप नहीं चला रहे गाड़ी? भाई हम दौड़ाएंगे, गाड़ी चलाएंगे नहीं। सती चलाओगे? दौड़ाएंगे। अगर इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स आए अगली वीडियो में धृति मेहरा हमारी X5 चलाएगी। वापस आना पड़ेगा लद्दाख गड़ाउन में, गुड़गांव में नहीं चला सकते। ये सब बातें तो होती रहती है, ये व्यू चेक करो यार, मैं इतनी सारी वीडियोस बना रही हूं अपनी गाड़ी की, इतना ज्यादा। गाइस करण भैया उतर के फ्रेंड्स बना रहे हैं ले लद्दाख में और हमें गाड़ी में छोड़ा हुआ, बस कर दो। तो देखो मिट्टी का टॉर्नेडो, बढ़िया बम्बल भी आ गई, बहुत बड़ी बम्बल भी। मैं कैसे बचूं? साहिल ये कार्ड की जहरीली होगी, साहिल भाग ले, साहिल भाग भाग, साहिल भाग, साहिल भाग, साहिल बेल्ट खोल ले। भाई मैं बोलती रही थी, बढ़िया पुंडी लड़ जानी थी अभी एहसास चढ़ो। दिस इज फनी।
अपने यूनिट वाले, अपने यूनिट वाले होते हैं तो आर्मी में ना उन्होंने हमारे लिए चिकन रोल पैक कर दिए थे। सर तुम पनीर खिला रहे हो चिकन के नाम पे। जिन लोग लग्जरी वाला अगर लद्दाख ट्रिप करना है, आप बाय रोड भी कर सकते हो, अच्छी अच्छी सड़कें बन गई है, कोई टेंशन नहीं है। हमने 80 किलोमीटर डेढ़ घंटे में कर लिया है, इतना तो नॉर्मल टाइम लगता है कहीं भी सिटी ट्रैफिक में। आप बहुत ही ज्यादा सही रास्ता लिया है। सो हमें न्यूमा से ले मनाली हाईवे 100 किलोमीटर लगे, टाइम लगा है एग्जैक्टली 2 घंटे। एंड अब बढ़िया हो गया, हम यहाँ इधर से सीधा जाता है तांगलांगला पास और ये मुड़ जाएगा ले को। सो गाइस ये देखो, अब हम यहाँ से उल्टा जाएंगे। एमसी धृति इज बैक। भाई ये देखो मैं समझ नहीं आ रहा, इनको लद्दाख जाने की ज्यादा खुशी हो रही है, मनाली पहुंचने की। एंड भाई हमारे साल में अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है यार, मतलब रात को ही हुई, पूरी ऊपर बर्फ ही बर्फ है भाई। मनाली में कल बारिश हो रही थी। सामने देखो हो गया, बड़े हम कह रहे थे टाइम से पहुंचेंगे, सारा गंदा जाम है, सारा वन लेन है, हमने इसी पे भी चढ़ाई करनी है। देखो बाबू की करना होना, ये तो चक्कर पे गया बाबू, वापसी चलिए। उडवा गियर पा दे फिर मैं, कितना अच्छा अभी। हम यहाँ से नीचे फिर ऊपर चढ़ाई करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत खड़ी चढ़ाई है और भाई पूरा ट्रैफिक है। जैसे इस गाड़ी में हिल डिसेंडेंट है, हिल असेंडेंट नहीं है। अच्छा भला मैं बोला था जल्दी पहुँच जाएंगे 5 बजे, पूरा ट्रैफिक जाम लग गया ऊपर तक। रास्ता थोड़ा खराब है और ये गाड़ी की फुल टेस्टिंग हो रही है, पता नहीं हम कहाँ से निकल रहे हैं। आई होप टायर सेफ रहे। चाहे तुम कुछ बोलना चाहोगे? बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑफरोड हो गया गाइस, खुद अपने रास्ता ढूंढ लिया, लोगों का रास्ता खराब कर रहा है। यही बोलते हैं मुझे पूरा टाइम। भाई मैं लोगों को डीमोटिवेट कर रहा हूं, मत जा। देख तो ले कैमरा का है। आप ही बोलो बंद कर और करो मुझे डीमोटिवेट। असली फील तो लोग यहाँ पे ले रहे हैं, बढ़िया टेंट सेटअप कर दिया है। बाय उतारू नो, अगली बार लेके आएंगे गैस गूस, मेरे पास है काफी टेंट जे दीदी का तो एक्स्ट्रा ही है। पता 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 गंदी हवा चल रही है, पता नहीं ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, बर्फबारी चल रही है इनकी, बर्फ। ओए ओए ओए, वापसी का हमारा सेकेंड लास्ट पास तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं लाचुंगला, इसके बाद आई थिंक सीधा 12 लाचला आएगा या नकीला आएगा, एंड देन वी बी बैक टू मनाली। एंड अभी घाटा लूप्स आने जहाँ पे आज हम कुछ फन कर ज्यादा क्रेजी ऑफ रोड पैचेस आ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ ये सामने देखना, अभी गाड़ी कितना ज्यादा नीचे जाती है। चीज बताना चाहूंगा, अगर पहाड़ों में आते हो प्लीज थोड़े से ना थोड़ी डिसेंसी दिखाओ। अभी जो हुआ मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज कैमरा फ्रंट में लगा है, गाड़ी के अंदर पूरा पानी आ रहा है, फुल स्पीड से ओवरटेक कर रहा है और पानी का बहुत बड़ा पूल और सारा पानी गाड़ी के ऊपर। तमीज से चलाओ स्पेशली, एंड बाहर की नंबर थी, घर से दूर आते हो भाई थोड़ा आराम से चलाओ, सब आराम से चला रहे हैं, हम भी हिमाचल आए हुए हैं, हम भी रिस्पेक्ट करके आराम से चला रहे हैं। भाई पानी इतना गिरा है
कि पूरी पैंट पुंट भी गीली हो गई है, उन बंदों ने डैश कैम लगाया हुआ था, तो मेरा मन कर रहा है कि वो वाली फुटेज अगर हमें मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक्चुअल क्या हरकतें करी है। अगली मेरी बारी है, मेरा इतना प्रेशर मत डालो, पहले मुझे 2 सेकंड सोचने दो। कुछ नहीं होता करण। लोगों ने देख ही लिया होगा ये क्या हुआ अभी, एंड थोड़ा बहुत जो इस पे पता चल गया कि स्प्लैश एकदम से आया, क्योंकि भाई इतना बड़ा गड्ढा था, वो बंदा मैं धीरे कर रहा हूँ, गड्ढे से फुल स्पीड से आया, शीशा खुला था, पूरा छपाक अंदर आ गया, तो एक मछली पानी में चली गई। फिर यार गुस्सा तो चढ़ता ही है, क्योंकि ऊपर से वो कह रहा है कि ओवरटेक कर रहा हूँ मैं, पता नहीं फालतू के बहाने मार रहा था। मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया था, तो दीदी मेरा के 2 सेकंड के लिए आवाज बंद हो गई थी, मेरी भी आवाज नहीं करती, अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ। 16,000 फीट पे इतनी जोर जोर से चला रहे थे, फिर उल्टी आती है आपको। एक कसम से वो लड़ाई में उनके सामने बोल देती ना, मेरे पे हंस के लग जाते और 2 पानी मेरे मुंह पे मार के जाते भाई। बट जो भी है, अब जाके मैं थोड़ा ठीक लग रहा है। धन यार पूरी गाड़ी के अंदर पानी आ गया, अभी भी आपको थोड़े बहुत ही पानी के छींटे दिख रहे होंगे। अगर BMW गाना गा सकती तो वो गाती मैं पानी पानी हो गई। मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है अपने सामने का व्यू देख के ना, तो यहाँ पे बर्फ। हम लोग सरचू पहुंच चुके हैं, हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आते टाइम वाला ब्लॉग आपने देखा होगा कि बारालाचला में कितना बुरा हाल था, सिंगल लेन थी, एंड अभी हम लोग सरचू चेक पोस्ट पे है, और ये ट्रैफिक देख लो, ये सारा सरचू चेक पोस्ट का ट्रैफिक है, पूरा उधर पीछे तक सारा। ब्लॉग के शुरू में देखा था हमने कितनी चमकाई थी अपनी गाड़ी, ब्लॉग के एंड में देखो ऐसी हो गई है। देखो ये वही चीटे है जो पूरे उस बंदे ने ना ऊपर मारे थे गाड़ी के, छोटी मोटी चीजें होती रहती है। बट ये देखो ये इनकी एनर्जी है, एक ग्राम यहाँ रुक सा भाई, जाते टाइम ना हर जगह वाव वाव, अभी इतने सामने बर्फ आ रही है। आते टाइम मैं गाड़ी चला रहा था, भाई गाड़ी के ना ग्रह लगे तो भाई चला। ऐसे व्यूज की बात करो, ये देखो लद्दाख साइड कहीं भी स्नो नहीं मिली, तो अगर आपको स्नो ही देखनी है और ऐसे पहाड़ देखने और ब्यूटीफुल पासेस देखने, तो मनाली से बारालाचला तक आ सकते हो, क्योंकि उसके आगे कहीं स्नो नहीं, उसके आगे बस लेक के सुंदर मेरा बिल्कुल वापस जाने का मन नहीं यार। ये देखो एंड ये ना पूरा सर्चू एरिया, यहाँ पे सारे कैंप्स वगैरह लगते हैं जो अभी आई थिंक थोड़े दिन में सेटअप होने शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर 11 है, जैसी बर्फ पड़ी हुई है रात को भाई, कहीं ना कहीं -5-6 जा सकता है। जो ये देखो भाई यहाँ पे लोग अपने अभी कैंप वगैरह सेटअप कर रहे हैं, तो एक दो दिन में सारा सेटअप हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप रहने आ सकते हो। तो अगर आप कैंपिंग करने आओगे, आप ऐसे माहौल में आओगे ऐसी बर्फ के साथ। अभी हमने क्रॉस करा है पागल नाला, या जो भी इसको काला नाला बोलते हैं। अभी बारिशें शुरू नहीं हुई है, इसके ये हाल है, इतना लंबा है पूरा स्ट्रेच है, एक बार बारिश शुरू हो गई तो भाई क्रेजी हो जाएगा यहाँ। कई लोग ऑल सीजन ही पागल रहते हैं। ऐसे कौन है, मैं बता नहीं सकती। लास्ट टाइम है, बर्फ के पहाड़ देख लो इतने क्रेजी क्रेजी। बारालाचला आएगी ना अभी बर्फ, हम बारालाचला जा रहे बेबी, अभी पूरी छोटी छोटी बर्फ है यहाँ पे, पहाड़ है। गाइस अटक गई गाड़ी, ओ हो खींच गया। नाइस, देखने में मुझे बहुत सुंदर लगती है, बट मेरे को बहुत ठंड लगती है। धृति ये आपके लिए और साहिल के लिए, सबके लिए। भाई बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर ही बहुत लग रहा है। -2 डिग्रीज हो गया, नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है। क्या हुआ ये गाड़ी? अरे आपके लिए गिफ्ट था।
नुकीले पत्थर, ये भी मैंने नया वर्ड सीखा है इस बार। X5 के जो बर्फ के शॉट्स देखे ना भाई, नेक्स्ट लेवल थे। बट एक चीज जो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, आप बस इमेजिन करो, और मैं पीछे से मोटर व्लॉग, मतलब इसको कार व्लॉग समझ लो भाई। ये देखो यहाँ पे हम जा रहे हैं और ये लेफ्ट साइड में ना पूरा ही पूरा बर्फ। मैं इस पे कोई गाना नहीं लगाना चाहता, मैं बस आपको रॉ दिखाना चाह रहा हूँ। इसी के साथ हम वापस पहुंच चुके हैं 12 लाचला पास भाई। इससे क्रेजी एडवेंचर ना मैंने आज तक नहीं करा होगा। X5 ने तो और ही ज्यादा मजेदार बना दिया, थोड़े से फटरी थी, चैलेंजिंग था, पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बर्फ घर लेके जा सकते हैं। सूरज ताल इस टाइम so much to find, and yeah, you know you fine, but still I must remind that we can live this forever and feel this forever and ever and still that won't leave me enough of time to tell you all the ways I feel. Why would I throw that away for thrills trying to play the field? तो भाई फाइनली हम खुशी के साथ बताना चाह रहे हैं, हम लोग उतर चुके हैं 12 लाचला से। काफी ज्यादा खराब सड़क थी। एनी ट्रिप शुरू होने से पहले मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तू पागल है, X5 लेके जा रहा है। मैंने कहा भाई देखो, इट्स नॉट अबाउट द कार, इट इज अबाउट हाउ यू ड्राइव इट। हमने बहुत अच्छे से चलाई, प्यार से चलाई, जहाँ धीरे चलानी चाहिए थी वहाँ बहुत ज्यादा धीरे चलाई, जहाँ तेज चलानी चाहिए थी वहाँ हमने मजे करे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, अनरियल, लिविंग अ ड्रीम। अभी हम दो और एडवेंचर करने वाले हैं, बिकॉज एक पास है जो मनाली के पास जो खुल चुका है, वहाँ पे इतनी क्रेजी बर्फ है, तो कल हम रेस्ट करेंगे, परसों वहाँ जाने वाले हैं। अभी हमारी दाचा चेक पोस्ट एंट्री हो गई है, अब हम बढ़िया शूट एम शूट मनाली पहुँचेंगे, नहाएंगे। वन 9:41 और ये देख लो अटल टनल पहुँचे हैं। इतना बुरा हाल ट्रैफिक का, 12 घंटे हो गए हमें गाड़ी में बैठे बैठे, अभी आधा घंटे और रास्ता रह रहा है। बट देन जो भी था जैसा भी था, यही से एक्साइटमेंट शुरू हुई थी, यही पे अब एक्साइटमेंट नई चीज़ की शुरू हो रही है, जिसके बारे में आपको कल पता चलेगा।